मध्य प्रदेश के रीवा में न्यायालय ने 8 साल बाद बहुचर्चित बाण सागर घोटाले के 40 आरोपियों को दोषी करार दिया है। बताया जाता है कि बाण सागर परियोजना के कार्य में आरोपी वीके त्रिपाठी और अन्य आरोपियों ने शासन के नियमों की अनदेखी कर घटिया और गुणवत्ता विहीन सामग्री की खरीद कर सप्लाई की, जिससे शासन को बहुत बड़ी आर्थिक क्षति हुई है। तो प्रकरण है 1978 में बाण सागर परियोजना के लिए जो राशि सैंक्शन हुई थी, और 2006 में उक्त राशि 1250 करोड़ के आसपास हो गई थी। तो जो उसके अनुसरण में बाण सागर में निर्माण कार्य किए जाने थे, उसी के संबंध में ये घोटाला हुआ है। उसी घोटाले के लिए जो FIR दर्ज की गई है, आरोपी इसमें 12 लोक सेवक हैं जिनके विरुद्ध चार्ज न्यायालय ने फ्रेम किए हैं, और उसके बाद जो आरोपी बचते हैं तो वो प्राइवेट हैं, लोक सेवक नहीं है। उनमें से कुछ सप्लायर्स हैं और कुछ जो है तो जिनसे सामग्री क्रय की गई है वो है। कुछ कार्यरत हैं और कुछ रिटायर हो गए हैं। जो कार्यरत हैं उनके विरुद्ध अभियोजन सैंक्शन हुआ है और उसके पश्चात जो है तो आरोप सूचित हुआ है।